दिस इज आवर लास्ट दिन, ओके। 100 बार बोलने से आपका 260 से 270 रुपया इंडिया का होगा, वन एक सिंगल आम का। ये चल नहीं पा रहे, फोन है वो पानी में जाने की वजह से पूरा हैंग अप हो गया, ना ये ऑन हो रहा है, ना चार्ज ले रहा है, ना कुछ हो रहा है। नो मनी नो हनी। सो गाइस, अभी हम लोग फाइनली आज का लास्ट जो स्पॉट है काइनुक आइलैंड, वहाँ पर फाइनली आफ्टर इतना हाई टाइड और परेशानी के बाद में हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इधर में जैसे जेट स्की पैडल बोटिंग ये है और जेट स्की राइड है, और हम लोग स्विमिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं इधर में। हम लोग 1 आवर टाइम है इधर में, और हम लोग इधर में जो कुछ भी मतलब इधर में एक्टिविटीज़ वगैरह वो कर सकते हैं। इधर में आपका मॉकटेल कॉकटेल का एरिया है, इधर में कुछ भी खा पी के हम लोग के पास 1 घंटा फुल रिलैक्स करने का आज टाइम है। सो यस गाइस, दिस इज़ आवर लास्ट दिन, ओके। और फाइनली हम लोग अपना जो लास्ट आवर है इधर में स्पेंड करने वाले हैं, और इसको मैं अच्छे से इधर में स्पेंड करके मेमोरीज करना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। सो गाइस, अभी हम लोग वो रास्ते से आए थे, और इधर से पीछे में भी एक आपका बीच है, तो अभी जो हमको दिखाई दिया तो हम लोग उधर से उसका व्यू लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए जा रहे हैं। सो गाइस, अब ये चेक करें द व्यू, ये रहा गाइस, व्हाट एन अमेजिंग व्यू गाइस। सो आप लोग को ये जो फुकेट का जितना भी आइलैंड वगैरह है, और जो हम लोग का ट्रिप कैसा लगा चेक कीजिए ये व्यू, थोड़ा बहुत आप लोग के सिनेमैटिक शॉट्स डाल देता हूँ, और उसको एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली अभी थोड़ा सा भूख भी लगा है, तो इसका आम का इधर आइलैंड में बैठ के ये व्यू के साथ में ये चेक करें आम खाते। लेकिन आपको यह आम का दाम इधर क्या पड़ता है, आम का दाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आम गुठली का दाम 100 बार बोलने से आपका 260 से 270 रुपया इंडिया का हो गया, वन एक सिंगल आम का। और गाइस, ये हमारा बंदा हाई टाइड में आगे बैठ रहा था तो गिर गया, इसका नीचे का पैर का मांस गिरने की वजह से लग गया, तो इसको हमको चल नहीं पा रहे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नए दिन में। और आज का कुछ सीन ऐसा है, अभी हम लोग पटाए पहुंच गए, और कल का सीन आप लोगों को पता था कि मेरा जो फ़ोन है वो पानी में जाने की वजह से पूरा हैंग अप हो गया और कुछ चल नहीं रहा है। एक मिनट में आप लोगों को दिखा रहा हूं, और ना ये ऑन हो रहा है, ना चार्ज ले रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग अभी जा रहे हैं सेंट्रल पर, सेंट्रल एक कुछ इधर में आपका जो मॉल है वहाँ पर जो ये एप्पल स्टोर है, तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक बार जाएंगे। तो अभी सुबह का 11 बज चुका है, तो इसलिए मैं कल जब मेरा रास्ता में आ रहा था तो कुछ मैं इधर में आप लोग के लिए कुछ व्लॉगिंग वगैरह कर नहीं पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ था। तो अभी भी मैं अपने दीपक ब्रो का फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन पूरा डेड है। अभी जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद में अपडेट देखिएगा। अगर मेरा फ़ोन नहीं हुआ तो उसके बाद में क्या नया फ़ोन लेंगे, क्या करना है, अभी का सीन कुछ पता नहीं है। तो एक बार चलते हैं सेंट्रल में, और उसके बाद में मिलते हैं गाइस। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग अपने होटल से निकल पड़े सेंट्रल के लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं ये शेयरिंग कैब में, और ये इधर से 10 या 20 बार लेगा, और रिजर्व करने में इन लोग महंगा लेता है, और ना हम लोग बाइक में जा रहे हैं, हम लोग इसमें जा रहे हैं, इसमें बहुत मज़ा भी आता है। और ये कुछ इस तरीके का ये शेयरिंग है, तो आप लोग भी अगर इधर में जाएंगे और लोकल राइड लेंगे तो इसमें आप लोग आराम से जा पाएंगे, 10 बार 20 बार में आप लोग जहाँ भी पहुँचा देता है, बस ड्राइवर से एक बार पूछ लीजिए कि वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, और इसमें आप लोग जा सकते हैं। सो गाइस, ये चेक करें, यही है सेंट्रल फेस्टिवल या सेंट्रल जो बोलते हैं हम लोग इधर का जो मेन मॉल है पटाया का, और इधर में हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इधर में नाइट लाइफ ज़्यादा है, तो इसीलिए इधर में सुबह
11 बजे के बाद ही मोस्टली जो मार्केट वगैरह खुलता है। तो अभी जाते हैं अंदर में और देखते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं और इधर में अभी हम लोग ढूंढ रहे स्टोर कहाँ पर है। और ये मॉल कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। मैं पहले भी बहुत बार आया हूँ पटाया, लेकिन सेंट्रल में मतलब बाहर से मैंने इसको विजिट किया, तो इसका अंदर का मैंने ब्लॉग उतना अच्छा से नहीं किया है। तो इस बार थोड़ा सा अंदर में घूमते हैं। और ये चेक करिए इधर में, ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स आप लोग को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये चेक कीजिए, क्योंकि इधर का आपको बता देता हूँ कि थाईलैंड में जो भी मॉल्स है, जो प्रीमियम मॉल्स है, उसमें आप लोग को ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। आप लोग जो बोले वही मिल जाएंगे, और सामान आप लोग को एक से एक बढ़कर एक से एक मिलेगा। बस चाहिए तो रोकड़ा, रोकड़ा है तो सब है। नो मनी नो हनी। और लीजिए, और ये मॉल में और तो छोड़िए, आप लोगों को कपड़ा वो छोड़ के, ये देखिए क्या चाहिए आप लोगों को, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा बस। ये देखिए MG का गाड़ी, और ये आई गेस इलेक्ट्रिक कार होगा, या इलेक्ट्रिक कार। और इधर भी ये चेक करेगा इस। तो बस अगर आप लोग थाईलैंड आएंगे तो सोच के आइए, अपना जो बैग है पूरा पैसा से भर के आइए, फुल ऑन मज़ा लीजिए। और अभी फटाफट से चलते एप्पल स्टोर और मिलते हैं। सो गाइज ये चेक करें, बाट अभी है इधर थाईलैंड में, और बहुत सारे ब्रांड्स है। मैं आप लोगों को अगर पूरा दिन इसका ये मॉल का व्लॉग बनाऊंगा तो प्रमोशन कोलाबोरेशन में चला जाएगा, तो ये मैं करना नहीं चाहता। अभी थोड़ा देर में बाद में एप्पल स्टोर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये मॉल बहुत बड़ा है तो हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। तो देखते हैं कहाँ पर है, अब मुझे भी नहीं पता क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ। और अगर उसके मिलने के बाद फिर चलते हैं अंदर में और बात करते हैं फिर। सो गाइस फाइनली हम लोग इधर में एक प्रीमियम जो रीसेलर स्टोर है पटाया में, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये कुछ ऐसा है, और अभी थोड़ा लाइनअप है, तो थोड़ा देर बाद दिखाते हैं इधर में क्या बोलते हैं, और उसके बाद में चेक करते हैं। थोड़ा टेंशन भी लग रहा है क्योंकि इसमें सब मेरा जो रील्स, ब्लॉग्स, फोटोज़, वीडियो, सब जो पुराना हम लोग ने अभी तक शूट किया है सब इसके अंदर में। और अगर वो बैक नहीं हुआ, बैकअप नहीं हुआ, तो सारा मेरा जितना भी कॉन्टेंट है सब चला जाएगा। तो इसी वजह से अभी टेंशन भी है और डर भी लग रहा है, देखते हैं अभी क्या बोलता है। कौन सा फोन मिलता है? 14 प्लस 14 प्लस डिस्काउंट। After discount? After discount? Yes, discount. Okay. Before 37. Okay. Buy into card, 34-35. Is there any like a cashback in card? Yes. Card? No, no. Can you check? No. You have high credit card? No. I have Indian card. HDFC card. Okay. So is the last price there? Is it discount? Buy into card, 34. So guys, finally, अभी हम लोग को eye care मिल चुका है, और वो यह आगे में है इस side में। तो after that we are going टू द आई केयर, और देखते एक बार बात करते क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में फिर प्लान करते हैं फिर। क्योंकि मेरा जितना भी ब्लॉग्स का डाटा वगैरह था वो इसके अंदर में है, तो अगर वो रिट्राइव नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा ब्लॉग कंटेंट सब निकल जाएगा। तो देखते एक बार। तो गाइस अभी फ़ोन दिया है, उन लोग चेक कर रहे हैं, तो देखते हैं थोड़ी देर में अब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। सो गाइस अभी फिलहाल आई केयर से हम लोग निकले, और वहाँ पर उन लोग ने बोला कि ये फ़ोन हार्डवेयर शॉर्ट हो चुका है और इसका डाटा भी बैकअप नहीं हो पाएगा। तो फाइनली अब हम लोग को वो फ़ोन देखे कुछ अमाउंट देखे नया लेना पड़ेगा, और मेरा डाटा पूरा चला गया और ब्लॉग वगैरह जितना थे सब उसके चले गए। सो जो फुकेट का जितना भी सीन्स वगैरह था वो सब उसमें चला गया। तो अभी देखते हैं, अभी इधर में तो मैं आईफोन लेने का नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी उतना कैश भी लेके नहीं आया हूँ। और जो इधर पटाया में जो है उन लोग इंडियन कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या तो मुझे बाहर से चेंज करके ले जाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग का एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हम लोग को पड़ जाएगा। तो इसीलिए देखते अब बैंकॉक जाके क्या होगा, अगर बैंकॉक में उधर में एप्पल का जो ऑथोराइज उधर में स्टोर है तो वहाँ से लेंगे, तो थोड़ा बहुत हम लोग को उधर में जो इंडियन कार्ड है वो यूज़ हो सकता है। तो यह गाइस अभी ये ब्लॉग मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दीपक ब्रो के फ़ोन से बनाया, तो उसके बाद में देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन सी यू। और अभी हम लोग का थाईलैंड का जो ब्लॉग है, जो सीरीज़ है, वो शायद इधर में ख़त्म करना पड़ेगा। सो यह गाइस सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।